पदम सिंह जैसा आदमी जो तो आपने पहली बार धरने में देखा है भाई को, ये कभी ऑफिस से बाहर ही निकलता, सस्पेंड कर दिया, 9 से 5 जबरदस्ती भी, 9 से 5 किसी की ताकत नहीं इसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों ममता शर्मा के खिलाफ नारे लगाए? दूसरे भाई को सस्पेंड किया, ममता शर्मा के खिलाफ नारे लगाए? अरे नारे लगाने में तू गलती करेगी और नारे लगाने के बाद सस्पेंड करेगी तो ये तो चलने वाला नहीं है सर। खालसा कॉलेज का प्रिंसिपल कह रहा था कि स्ट्राइक करके दिखा देगा खालसा कॉलेज के अंदर, इतिहास है खालसा कॉलेज का स्ट्राइक हुई और सफल हुए। ममता शर्मा जिसका पूरा परिवार ही अकेली नहीं है वो, अगर सस्पेंड हुआ एआरएसटी कॉलेज में मैडम अरुणा कुमार सस्पेंड हुई है तो संदीप शर्मा जी पे केस है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो उसका हस्बैंड है, वो ममता शर्मा का हस्बैंड है। एक उसकी बहन उसके खिलाफ, क्योंकि मैं हेल्थ सेंटर की कमेटी का मेंबर हूँ, हेल्थ सेंटर से इतना बड़ा कंटेन भर के ले जाती थी हर महीने दवाई का, हर महीने हमने उसकी रिटर्न में कंप्लेंट करी। नमिता राजपूत नाम है, नमिता है? हमने उसकी कंप्लेंट करी, मैंने कहा जी ये नंबर है और इतनी दवाइयां ले जाती, कौन सी बीमारी है हमारी सन में तो आ नहीं रही। डॉक्टर खुद कह रहा है मैडम आपको बीमारी क्या है जिसकी इतने इतना डब्बा भर के तुम ले जा रही है, ये हमारे बच्चों के लिए हमारे परिवार के लोगों के लिए हेल्थ सेंटर खुला हुआ है, तुम्हें इतने पूरा डब्बा भर के तू हर महीने ले जाती है। साथियों कंप्लेंट हुई है वो डब्बा जाना बंद हो गया, बीमारी ठीक होगी लग रहा है उसकी। मेरे सम्मानित साथी, आप सबने दूर दराज के कॉलेजों से आकर के इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दी है, मेरी सबसे हाथ जोड़ के पूरे विनती है कि जो साथी आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए धरने में उसके कई सारे कारण है। एक तो कोर्ट का भी चुनाव था आज, तीसरी कोर्ट में बहुत सारे स्टाफ की ड्यूटी यहाँ से ऊपर से भी लगी हुई थी और भी कई जगह प्रोग्राम थे पीछे भी मैंने सुना है, लेकिन कल की डेट में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे इकट्ठा होना है, सारे भाई इकट्ठे होंगे असर पड़ेगा। और दूसरा ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे देना है, लंच का टाइम हम लोग अनाउंस करते ही करते हैं। पीछे हमारी जो नेगोशिएशन हुई थी मैं कल की मीटिंग में आपको बताऊंगा, जो भी कल जब सुबह मैं अपना वो दूंगा तब मैं आपके बीच में रखूंगा रजिस्ट्रार से, पीछे हमारी क्या नेगोशिएशन हुई थी पूरा पॉइंट टू पॉइंट, और अभी भी जो हमने उनको दे रखा है हो सकता है कॉल करे यूनिवर्सिटी, लेकिन वो होता क्या तोड़ते रहते हैं, यहाँ की खबरें जाती रहती हैं। सुबह मैं जो बोल रहा था उसके रिपरकशन आने शुरू हो गए, आपने ये बोल दिया जी, आपने ये बोल दिया जी, अरे ये तो बोल दिया उसको सॉल्व करने की कोशिश तो करो यार, जो बोल दिया वहां तक तो तुम पे पहुंच गया, लेकिन उसको सॉल्व कौन करेगा, हल कौन करेगा भाई, उसको तो करना तो तुम लोगों ने ही है भाई, रजिस्ट्रार करे पीसी करे डीन करे, करना तो तुम लोगों ने है, अल्टीमेटली तुम हमारे अधिकारी हो तो करना इन्हीं लोगों ने है, वो ना कर करके नेगेटिव सोच अगर तुम डेवलप करोगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल अच्छा नहीं बन पाएगा। कर्मचारी कोई शौकीन नहीं है हड़ताल धरने देने का, हम तो वैसे ही बड़ा सोच सोच के जब मजबूर बिल्कुल हो जाते हैं उस समय देते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों आप सबने धरने में पार्टिसिपेट किया है और 4 बजे भी एक अच्छी तादाद में आप लोग हैं, ऐसा नहीं है, पीछे मैं कहीं किसी कॉलेज में हम और डूटा साथ साथ बैठे हुए थे तो डूटा के एक पदाधिकारी भाषण दे रहे थे, उन्होंने क्या किया मीडिया को बुला लिया और एक कोई जगदीश मुखी शायद नाम ले रहे थे, प्रोफेसर जगदीश मुखी, उनको इनवाइट कर दिया। तो अचंभे की बात यह है जगदीश मुखी आ गए वहां डूटा के 20 लोग भी इकट्ठे नहीं थे, उन्होंने कहा सर आधे घंटे बाद प्रोग्राम करेंगे फिर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्मचारी तो तब भी बहुत तादाद में होता है, ऐसा नहीं है हम एक चीज को ये मन बांध लेगा नहीं भी कर्मचारी इकट्ठा नहीं हो रहा, 100% तो कभी इकट्ठा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम लोग आहुति दें इस यज्ञ में, ये यज्ञ हमारे लिए, अगर हम यहाँ से गर्व से अपनी डिमांड लेकर के जाते हैं तो समझो यज्ञ पूर्ण हो गया है। दो दिन के लिए हम धरने में आए, हम वहां जाएंगे दूसरे लोग पूछेंगे प्रिंसिपल है टीचर्स है क्या हुआ भाई, रिजल्ट कुछ नहीं है तो फिर क्या हुआ, यज्ञ तो अधूरा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे आहुति पूर्ण दी है और हम यहाँ से जीत करके जा रहे हैं तो उनके मनोबल डाउन होते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं साथियों मेरे ख्याल में इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसने मुंह उठाया हो कर्मचारी को ऊपर आघात करने की कोशिश की है और उसका फन नाफ लग गया हो, ओपन बोल रहा हूँ आपके सामने।
कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई खुदा का बच्चा बन रहा हूँ। खालसा कॉलेज का प्रिंसिपल कह रहा था कि स्ट्राइक करके दिखा देगा खालसा कॉलेज के अंदर, इतिहास है खालसा कॉलेज का स्ट्राइक हुई और सफल हुए, प्रमोशन हुई है, सारे काम हुए। रंजीत भाई बैठा हुआ चाहिए बीच में, भाई खड़ा है बीच में, 9 प्रमोशन हुई, करने को तैयार नहीं था। और कैसा केस था चंबे की बात सुनो, कह रहा जी माइनॉरिटी का स्टेटस है कॉलेज को और हम यूनिवर्सिटी के रूल नहीं मानेंगे। हमने रजिस्ट्रार से बात करी और लास्ट ये हुआ, जिसको यूनियन चाह रही थी वो काम हुआ और भाई खड़ा है आपके बीच में। ऐसा नहीं है मतलब हर कॉलेज में भी। अब ये एक ममता शर्मा जिसका पूरा परिवार ही अकेली नहीं है वो, अगर सस्पेंड हुआ एआरएसटी कॉलेज में, मैडम अरुणा कुमार सस्पेंड हुई है तो संदीप शर्मा जी पे केस है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो उसका हस्बैंड है, वो ममता शर्मा का हस्बैंड है। एक उसकी बहन उसके खिलाफ, क्योंकि मैं हेल्थ सेंटर की कमेटी का मेंबर हूँ, हेल्थ सेंटर से इतना बड़ा कटेक भर के ले जाती थी हर महीने दवाई का, हर महीने हमने उसकी रिटर्न में कंप्लेंट करी। नमिता राजपूत नाम है, नमिता है? हमने उसकी कंप्लेंट करी, मैंने कहा जी ये नंबर है और इतनी दवाइयां ले जाती, कौन सी बीमारी है हमारी समझ में तो आनी नहीं। डॉक्टर खुद कह रहा है मैडम आपको बीमारी क्या है जिसकी इतना डब्बा भर के तुम ले जा रही है, ये हमारे बच्चों के लिए हमारे परिवार के लोगों के लिए हेल्थ सेंटर खुला हुआ है, तुम्हें इतना पूरा डब्बा भर के तू हर महीने ले जाती है। साथियों कंप्लेंट हुई है, वो डब्बा जाना बंद हो गया, बीमारी ठीक होगी लग रहा है उसकी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो पूरा परिवार का परिवार ही एकदम पार है, तो ये लड़ाई और छोटी भी नहीं है, ये लड़ाई छोटी भी नहीं है। क्यों? इन्होंने भी अपने ऊपर लेवल पर जान बिछा रखे हैं, छोटी भी नहीं है। आप ये बस समझो, जो चार चार पांच पांच लोग यहाँ पे इनको तो हम जानते हैं, बाकी और भी होंगे इनके जो ऊपर लेवल पर सक्रिय है, डीन से डीसी से डेली जो वो है। लेकिन साथियों आपकी दरी की आवाज में वो ताकत है, 100% मैं कह रहा हूँ भाई बैठा बीच में, गेस्ट हाउस के अंदर इसी ममता शर्मा ने माफी मांगी साथियों, ऊपर कह रहा हूँ आपके बीच में। इसने लंच का इंतजाम कर रखा था, हमने मना किया हम आपका लंच नहीं करेंगे, आपने गलत किया हुआ, नहीं नहीं लंच लंच करके जाना है आपको, वापिस लिया इसने आपकी ताकत के सामने वापिस लिया। लेकिन आज अपनी खींच मिटा रही है खींच, पदम सिंह जैसा आदमी जो आपने पहली बार धरने में देखा है भाई को, ये कभी ऑफिस से बाहर ही निकलता, 9 से 5 जबरदस्ती भी निकला, 9 से 5 किसी की ताकत नहीं इसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों ममता शर्मा के खिलाफ नारे लगाए, दूसरे भाई को सस्पेंड किया ममता शर्मा के खिलाफ नारे लगाए। अरे नारे लगाने में तू गलती करेगी और नारे लगाने के बाद सस्पेंड करेगी तो ये तो चलने वाला नहीं है साथियों। इसके लिए तो टुकू आप सबके सहयोग से पूर्ण रूप से सशक्त है साथियों, और इसी तरीके से आपको बताएंगे कि ये फैसला हुआ है, इस अथॉरिटी को फैसला ममता शर्मा के खिलाफ हर हालत में लेना पड़ेगा। सुन ले खान बोल गए, इस माइक की आवाज खुल से जारी है अंदर, मैं ओपन खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूँ ममता शर्मा को कि इस बार तूने जितना भगना भग ले, पीछे भी बहुत भागी। लास्ट मीटिंग के अंदर साथियों, लास्ट मीटिंग थी गवर्निंग बॉडी की जिसके अंदर इसने 21-22 आदमियों को लगाया, और वो बला एक ऐसी बला थी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, श्रद्धानंद कॉलेज वाले ने भी कॉन्टेक्ट में अपॉइंटमेंट कॉन्टेक्ट के रोस्टर पास होने लगे, यहाँ पर एक अधिकारी बैठा वो कॉन्टेक्ट के रोस्टर पास करने लग गया। श्रद्धानंद के प्रिंसिपल से जब हम अतिथि साहब तो उससे मिलते हुए, तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, परमानेंट पोस्ट भरी आ रहे रोस्टर अप्रूव हो गए, कह रहा है थोड़ा ट्रेनिंग दे देते हैं सबको, ट्रेनिंग के बाद सब परमानेंट हो जाएंगे। कौन सी ट्रेनिंग हो, पैसे वाली ट्रेनिंग है ना, एक्स को पकड़ा वाई को पकड़ा जेड को पकड़ा, वो बीमारी हटाई साथियों, उसे रद्द करवाया सदानंद कॉलेज में भी, और वो बीमारी हटी। जैसे आज ई टेंडर आ रहा है वैसे ही कॉन्टेक्चुअल की भर्ती आ रही थी, भाई हर प्रिंसिपल को क्या दिक्कत है, कॉन्टेक्ट पर लगाओ अपने बंदे जहां से भी करते हैं सेटिंग, तो इस तरह के बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन आपकी मजबूती क्या है, इनको वापस लेना पड़ता है। जैसे ई टेंडरिंग का भी मेरे साथी ने कहा, ई टेंडरिंग का क्या हुआ, वो तो रजिस्ट्रार ने उसी दिन कह दिया अगर हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया तो ई टेंडरिंग बढ़ेगा कहाँ आ गए। लेकिन एक नई बनाया खड़ी कर दी गई, ये लाकर बैठा दिया अदिति कॉलेज के दो आदमी सस्पेंड हो गए, और यहाँ का एक डिप्टी रजिस्ट्रार, मुझे लग रहा है अगर इंक्वायरी की जाएगी तो कम से भी कम 30% आदमी इनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं साथी जो ऊपर बैठे हैं। ये कड़वा सच है, यही लोग एक्सपर्ट बन के जा रहे हैं और इन्हीं को प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये बैठ के ज्वाइंट रजिस्ट्रार है ये अपना भुगतेगा सारा।
जैसे आजकल जो सोसाइटियां बनी हुई है ना, सोसाइटी वाले क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस समय सत्ता में होती है उसके किसी बड़े लीडर को पार्टनर दिखा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटी खुल रही है, हमारे यहाँ केस हो गया, मैं भी किसी चक्कर में किसी के साथ गया, उन्होंने कहा तो गडकरी भी है इसमें पार्टनर। अब कोई आम आदमी सुनेगा ना गडकरी भी पार्टनर है तो पंगा क्यों लेगा तू, जबकि उनको 5% की पार्टनरशिप घर बैठे दी जाती है। वो नाम है कि भाई गडकरी भी इसका हिस्सेदार है, तो जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं उलिस्ता पुलिस्ता ये सब वो नहीं बोलते भाई, अरे वो भी मेंबर है उसका, तो वो वाली कहानी है साथियों की। लेकिन सच्चाई ये है जब आ जाएगी तो बक्सा नहीं जाएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत तादाद में आप लोग खड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल की डेट में शिव भाई खड़ा है, मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, अपना चुनाव जीत गया है अभी अभी लेटेस्ट। और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफिस रोक रहा है, पहली बात तो रजिस्ट्रार इस बार सेंट्रल ऑफिस भी नहीं रोक रहा, रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफिस को भी नहीं रोक रहा, हम गेट नंबर 4 पर अपनी मर्जी से बैठे भाई, रजिस्ट्रार हमें नहीं रोक रहा, गेट नंबर 1 पर भी नहीं रोक रहा, ना पुलिस रोक रही है। आप देख लो कोई एक भी सिपाही खड़ा हो यहाँ पर, देख लो चारों तरफ आप खोल के देख लो, आप ना पुलिस रोक रही है ना रजिस्ट्रार रोक रहा है, अगर रोक रहा है तो मुझे मेरा जमीन रोक रहा है, मैं खुद ही नहीं आ रहा, कोई नहीं रोक रहा किसी को। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई से भी रिक्वेस्ट है कि भाई भी अपना जो एसवर का ग्रुप है 150-200 कर्मचारी है भाई मेरे, अपनी प्रेजेंस कल यहाँ पर है, सारे सारे भाई मिलकर के कल की डेट में यहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए साथियों, और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंस दिखाओ। उसके बाद कल शाम को 4 बजे वर्किंग कमेटी करेंगे और जो भी फैसला होगा वो आपको कल बताएंगे। अब 4 बज गए, मेरी सब सारे भाइयों का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद, सभी भाई अपने घर जाएंगे।